तो लोग जो सोचते होंगे कि यार आमिर खान क्या करता है कि हर बार स्क्रिप्ट बिल्कुल बैंग ऑन हो जाती है, उर्वशी की वजह से होती है। When I was in college, ना, तब मैं बहुत करता था, तो मेरा उस वक्त मेरा फास्टेस्ट टाइमिंग था 28 seconds. What? लोग बात कर सकते हैं वाइल्ड अच्छा, ये भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपके लिए? नहीं, मेरे बात भी साथ हो सकती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इसमें हो गया। कहाँ तक पढ़ा है आपने? मैं 12th भी नहीं करी है, मतलब 11th I passed. हाँ, after that because I started playing under 19 India when I was 16. मैंने भी 12th की है सिर्फ। आपने 12th तो करी है? हाँ, 12th करी। मैंने तो स्कूल भी नहीं किया। जब क्रिकेटर्स को लोग ट्रोल करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं सोशल मीडिया पे, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। मुझे बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेशन क्यों होती है कि यार आप कहते हो कि इंडिया मेरी टीम है, इंडियन टीम मेरी टीम है और मैं इंडियन टीम से बहुत प्यार करता हूँ। भैया, जब इंडियन टीम जीतती है तब आपके प्यार मुझे दिखता है, आप खूब ताली मारते हो, झंडे लहराते हो। जब टीम हारती है और एक्चुअली टीम को आपकी ज़रूरत है, आपका प्यार एक्चुअली वो टाइम पे आना चाहिए जब टीम हारी है। आपका कोई निकनेम था? अभी लोग मुझे ऐसे बुलाते हैं, चीकू एक फोटो जैसे पड़ोसी पड़ोस में रहते हैं। कितने लोग इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं, देयर इज नो रीजन कि आप इस लेवल पे आके मेहनत ना करो। आप सबसे फिट ना हो, क्योंकि आप 15 लोगों में हो, एक 1.2 बिलियन की कंट्री में आप 15 लोगों में हो जो क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसमें भी मुझे कैप्टनसी दी गई है। तो अगर मैं उस चीज़ को एड्रेस नहीं करूंगा तो आई डोंट थिंक कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभा रहा हूँ। बिल्कुल। तो आई थिंक वो अनुष्का इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, हम लोगों ने साथ काम भी किया है। आपका आपके लिए एक उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद है, I'll talk about the one thing that I love most about her, हाँ. is that she's super honest. हाँ. जो वो बात करती है वो है। ये बात तो मैं agree करूँगा आपसे कि अनुष्का has got a wonderful warm personality. Yeah. मैंने बहुत actresses काम के साथ काम किया। She's a very wonderful person and very honest, like you said. She's very straightforward, very honest, and she's a pleasure to work with. Whoa.